दिलकश दिलनशी सुबह रोशन है बेहतरीन, बरखा के साथ रंग कहकशाओं का हुस्न, नया जमाना नई सुबह शाम, नया अंदाज नई तरह, क्योंकि खूबसूरत है जिंदगी के रंग। नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा और आप लोगों के लिए रोज की तरह लेकर आई हूं जिंदगी के रंग। उम्मीद करती हूं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे अपनी सेहत को, खुशियों को और जिंदगी के रंगों को। जहां बात हुई रंगों की, तो मैं आपको बताऊं, आज मैंने अपना फेवरेट कलर पहना हुआ है और कलर के साथ साथ ये जो हम आर्टिमिक्स के कपड़े पहन रहे हैं, जो कि स्क्रीन पे नाम भी आ रहा है, नंबर भी आ रहा है, कांटेक्ट भी कर सकते हैं आप उनको, इनके कट्स इतने मजेदार हैं, किसी दिन किमोनोज हैं, किसी दिन केप्स हैं, किसी दिन काफ्तान है, किसी दिन नॉर्मल कुर्ता है, मतलब इतने डिफरेंट कट्स, शेप्स, काम और डिजाइन हैं और अबव ऑल कंफर्टेबल बहुत ज्यादा है, किसी भी सीजन किसी भी इवेंट पे पहना जा सकता है, मुझे बड़ा वैसे मजा आया है। इसी के साथ मैं आज बात करती हूँ, आज हमारे पास जो सेलिब्रिटी गेस्ट मौजूद हैं उनकी शख्सियत के बहुत से रोशन पहलू हैं। अगर जिस तरह से पहले हम आम एक इंसान होता है, एडिसन कॉलेज में ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे, फिर उन्होंने फॉलो किया अपने अपने पैशन को, अपने म्यूजिक के पैशन को, और एक जो जमाने में एक यूएल ट्रेंड चल रहा होता है उस तरह से नहीं, बल्कि एक नए अंदाज में, और वो लेकर आए, दूसरों को इनवाइट किया कि जी चलिए हम चलते हैं बिल्लो के घर, और खाली वो ही नहीं, उनके स्टूडेंट्स ही नहीं, पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान ही क्या, पूरी दुनिया से लोग उनके साथ चलने को तैयार हो गए और ऑफर भी की कि आओ भाई चलें तो साइकिल पर बैठ के, और चले भी कहां से, कभी मालोमाल तो कभी जीटी रोड से, और जाते जाते डायरेक्ट ऑफर ही कर दी शादी की प्रीतो को भी, और कोई जो लड़की हो, चाहे पूरे लाहौर की कुड़ियां हो, चाहे कोई मजाजन हो, तो कहीं पंजाबन हो, मतलब किसी ना किसी को तो उन्होंने जहां जहां जिसको जिस फॉर्म में ऑफर की, हर एक ने सर आंखों पर बिठाया। कौन उनको पसंद नहीं करता जी, हमारे पंजाबी म्यूजिक के रॉक स्टार हैं, पाकिस्तानी पॉप के आइकॉन हैं। इसी के साथ साथ उनका अगला पहलू देखा जाए, सोशल लाइफ, सोशल वर्किंग की लाइफ में आए तो क्या सहारा ट्रस्ट से लेकर, सहारा ट्रस्ट को देख लिया जाए, या फिर उनके मेडिकल कॉलेज को देख लिया जाए, या फिर नॉर्दर्न इलाकों में जो नीडी लोग थे, जो जरूरतमंद थे, उनके घरों की बात की जाए, वहां पर देखे जाए तो भी कमाल के इंसान है। और अगर उन्होंने फिर उसके बाद जब पॉलिटिक्स में कदम रखा तो पीटीआई के सबसे सरगर्म रुकन है ये जी, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, यानी ही इज अ कंप्लीट सक्सेस किसी भी जिंदगी के पहलू में। मेरा ख्याल है इससे पहले कि मैं नाम बताऊं, आप लोग नाम बताने के लिए बेताब होंगे। जी बिल्कुल, आज हमारे साथ मौजूद हैं बरारुल हक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। और इतनी सारी तारीफों का चेक मैं आपको कहां भिजवाना है मैंने बस जी आप हमारे पास आए हैं, इससे बड़ी हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। और थैंक यू सो मच, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग शो, आई वाज रियली एक्साइटेड इस दिन, इस बात, इस शो के लिए। बिल्कुल, बहुत। और सबसे बड़े मजे की बात ये बताऊं कि ये तो मैंने बताया ही नहीं कि जी साथ में इतनी क्वालिटीज में पोइट भी हैं, अपनी गानों की शायरी भी खुद करते हैं और होस्ट भी हैं, और होस्ट में अमेजिंग बात ये है कि वी हैव बीन होस्टिंग टुगेदर, है ना। बिल्कुल, और यही वजह थी मेरी यहाँ पे आने की कि रूबा ने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में आने की, वरना मुझे ज्यादा टीवी देखने का मौका नहीं मिलता, ज्यादा मॉर्निंग शोज देखने का मौका नहीं मिलता, बिकॉज लेट नाइट स्लीपर हूँ मैं, और मॉर्निंग शोज फिर बड़ी मुश्किल से अटेंड करने होते हैं और देखने होते हैं, घूमता रहता हूँ ज्यादा, ट्रैवलिंग बहुत होती है। सो आपने बुलाया तो मैं चला आया। सो आज इट्स काइंड ऑफ मेरा भी इम्तिहान है, बिकॉज़ आज तक ही इज बीन द होस्ट एंड आई वाज को होस्टिंग विद हिम, और आज आ गई हो तुम, जिस तरह तुमने इंट्रोडक्शन दिया मैं हैरान हो गया हूँ सीरियसली, एक लफ्ज में भी नहीं थुड़की जी है, पूरे नंबर है 100। थैंक यू सो मच नाजी, नहीं मुझे लगता है कि मेरी टीचिंग का असर हो गया। बिल्कुल, ये सिर्फ आपकी कंपनी का असर है, इतने विटी, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, और थ्रू आउट द शो मैं कभी बोर नहीं हुई। कितने कितने डिलेज आते थे, कितने कितने घंटे के लिए हमारा शो नहीं हो रहा होता था, और उस दौरान एक सेकंड जो इनके साथ रहता है, वहां कोई शख्स बोर हो, कभी गा रहे हैं, कभी बातें कर रहे हैं, खुद ब खुद ड्यूरिंग द शो टॉपिक पे पोइट्री करके उसको गाते भी हैं, शो भी करते हैं। यू रिमेंबर दैट वन वीडियो वेंट वायरल, द खोता वीडियो, और हमने उसी वक्त बैठ के बनाई, उसी वक्त इन्होंने लिखी थी, यानी इसलिए ये तो बहुत अच्छी है, हम शो में भी कर देते हैं। मैंने प्रोड्यूसर को बहुत रोका, मैंने कहा ये ना करना यार प्लीज, मैं वैसे गा देता हूँ क्योंकि मुझे भी बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन मतलब इसको ऑन एयर ना करना।
लेकिन उसने कर दिया ऑन एयर। लेकिन जो आपका वो जो आप जैसे डिलीवर कर रहे हैं ना, कुछ शर्मा रहे हैं, हंस रहे हैं, उसको तो खाली देख के जो देखने वाला होता है उसकी भी हंसी निकल जाती है। नाजीन, इसी के साथ जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट हैं, मैं उनके बारे में आपको क्या इंट्रोडक्शन दूँ। शी इज़ एन इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजर, शी इज़ अ टैरो कार्ड रीडर। मतलब कोई फ्यूचर प्रेडिक्शंस हो, कोई कैलकुलेशंस हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशंस निकालने हो, तो शी इज़ देयर। मतलब कितनी बड़ी बड़ी प्रेडिक्शंस इन्होंने की हैं, क्या हमारे मुल्क के हालात, क्या हमारी सियासत के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और हम अब्रारुल हक के बारे में भी आज पूछते हैं। आते ही इन्होंने मुझे एक सरप्राइज दिया। आपको पता, मैंने आपके बारे में प्रेडिक्शन की थी कि आप इलेक्शन हार जाएंगे। यार ये पता नहीं आपकी प्रेडिक्शन की वजह से मुझे उसका भी कोई कमाल लग रहा है। जी, और साथ उन्होंने मुझे ये भी कहा, और इस दफा आप जीत जाएंगे। मैं कहा चलो शुक्र है, चलो ये तो अच्छी। आज के शो में मूड एलिवेट उन्होंने आने से पहले ही कर दिया। हमारे साथ मौजूद है आलिया नज़ीर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम, थैंक यू वेरी मच। इब्रार, मैंने दो दफा आपके हारने की पेशन गोई की थी, अब थर्ड टाइम आप जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, वाह। 2008 में मेरे बड़े भाई ने इलेक्शन लड़ा था, फिर 2013 में मैंने लड़ा था, और अब कह रही है थर्ड टाइम आप। थर्ड टाइम। और जो मैं प्रेडिक्शंस नहीं करती, मैं कैलकुलेट करती। कैलकुलेशन मतलब प्रेडिक्शंस नहीं होती। प्रिडिक्शन आई थिंक वो मतलब सही चलता भी है, नहीं वो एक डिबेट है, इसलिए मैंने एक सिंपल सा वर्ड कॉइन कर लिया कि मैं कैलकुलेट कर। अच्छा, बड़ा अच्छा, इन्होंने बड़ा मोहतात रवैया अपनाया। मैं ये कहूंगा कि आप अच्छी डिप्लोमेट्स बन सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे इस पे फतवा भी, और बहुत सारे लोग के भाई फॉर्चून टेलिंग जो है वो तो इंसान का काम ही नहीं है। आपको पता नहीं है दीवार के पीछे क्या है, क्या होने वाला है, अगली सांस का नहीं पता। और इसमें बड़ी और बेशुमार मैंने जो हमारे प्रेडिक्शन करने वाले हैं, माजरत के साथ, उनको शर्मिंदा होते देखा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, और फिर उसके बाद उनके ऊपर गुस्सा आ रहा होता था हमें कि किधर है वो। कितनी जल्द बात फॉर्म है ना, इतनी छोटी छोटी चीजें भी है तो पता चल जाए, पता चल जाए। मतलब दिलो जान से मेहनत करो, लगाओ। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं। देखिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर भी गलत डायग्नोज कर लेता है। एक एक पेशेंट को 5 डॉक्टर गलत डायग्नोज करते हैं, तो ये नॉलेज है। इसमें कोई गैबी इल्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। देयर जस्ट स्पेकुलेशन, मैथमेटिक्स से हम आपको सर्टेन वाइब्रेशंस कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो उसको अगर आप गैब समझते हैं या उसको आप एक नेगेटिव तरह से लेते हैं, तो वो एक गलत बात। कैलकुलेशन बाहर अलग बहुत ही मुनासिब टर्म है जो इन्होंने हर चीज से, हर प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए उन्होंने कहा कि किसी किस्म का कभी मसला ही नहीं होगा। कैलकुलेशन प्लस माइनस तो होता ही रहता है, मैथ्स तो वैसे ही जरूरी नहीं सारों का अच्छा। इसी के साथ नाज़रीन, हम चलते अपने ऑलिव हाउस की तरफ और देखते हैं कि आज साजिद साहब हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग, यमी, न्यूट्रिशियस चीज लेकर आए हैं, क्या बना रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं रुबा? बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमारे ऑलिव हाउस में क्या बना रहे हैं आप, क्या नया चीज है, क्या उसके इंग्रेडिएंट्स हैं? आज हम बना रहे हैं मंगोलियन चिकन। मंगोलियन चिकन है, ये वेजिटेबल के साथ है, ये थाई स्टाइल में हम बना रहे हैं, और इसमें मशरूम ऐड होगा, ग्रीन येलो कैप्सिकम है, रेड कैप्सिकम है, अनियन है, और कैबेज है, वाइट वाली कैबेज है, और मशरूम सॉस इसमें हम डालेंगे, और ऑस्टर सॉस डालेंगे, ब्राउन गार्लिक है मेरे पास जिसमें हम मशरूम्स को सोते करेंगे। उसके बाद इसका टेस्ट जो है उसमें ब्लैक पेपर है और चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आजकल चाइना सॉल्ट पहले इस्तेमाल किया जाता था, उस पर काफ़ी पाबंदी लग चुकी है क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छा नहीं, ख़ास तौर पे हार्ट के लिए वो अच्छा नहीं है, इसलिए चिकन पाउडर इस्तेमाल किया जाता है, और सॉल्ट है और क्रश चिली पेपर है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज क्या हैं और इसको कितना टाइम लगेगा, और एज यूजुअल इंग्रेडिएंट्स तो हमारे सामने हैं और आप मेंशन भी करते हैं। न्यूट्रिशन के हवाले से क्योंकि ये इसमें स्टेज वेजिटेबल्स होती हैं कि ना ये ज़्यादा गली होती हैं और ना ये ज़्यादा पकी कच्ची होती हैं, मीडियम में, ताकि इनका फ्लेवर्स और इनके मिनरल्स और विटामिन जितने भी हैं वो इनके अंदर मौजूद रहें, ना इसको गलाया जाता है। इसी तरह चिकन है, पाकिस्तान है, पाकिस्तान में तो वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चिकन को गला के खाया जाता है, लेकिन बाहर बेसिक ये चीज़ें जितनी भी हैं इनको अंडर डन करके खाया जाता है, मिडल में रख के, ना ज़्यादा कुक किया जाता है ना लो कुक किया जाता है, मिडल में रख के इसको खाया जाता है ताकि इनकी न्यूट्रिशन जितनी भी इनके अंदर नेचुरल चीज़ें हैं वो इनके अंदर मौजूद रहती हैं। जी ठीक है, आप आज का खाना बनाना शुरू कीजिए और हम लोग वेट करें, और अब आते हैं हम अपने गेस्ट की तरफ। जी अब्रार साहब। जनाब जनाब,
जनाब जनाब कहाँ से, मतलब एक तो आपका पैशन है, आई थिंक सारे सब लोग इतना कुछ जानते हैं, आपने बड़े हट के टॉपिक्स रखे हैं हमेशा से, आप पोइट्री भी खुद करते हैं, ये आपके अंदर शुरू से सेंस ऑफ ह्यूमर था कि कभी बिल्लो को छेड़ा जाए, कभी बिल्लो के घर जाया जाए, कभी परवीन तो कभी मजाजन तो कभी प्री, तो मतलब लड़कियों के इर्द गिर्द रहे हैं आप हमेशा से। वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो मेरा ख्याल है वो एज भी शायद इस तरह की थी, अब मैं सियासतदानों के पीछे हो गया हूँ ऐसी कर रहा हूँ मतलब लड़कियां गए मतलब एक बड़े मजे की मुझे बात याद आ रही है, मुझे नहीं पता कि अगर मैं मेंशन करूँ कि ना करूँ, जब हमारे शो पे भट्टी साहब आए थे तो उन्होंने आपके कॉलेज लाइफ की और उसने सारा झूठ बोला उसने मैं उस दिन बोला नहीं क्योंकि मैं होस्ट था ना, अब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, भट्टी साहब कहते हैं ये यूनिवर्सिटी आता था जीन्स पहनी हुई यहाँ से फटी हुई, बिल्कुल झूठ था, मैंने जिंदगी में मुझे आई हेट फटी हुई जीन्स सीरियसली ओके और बड़ी मैंने और उसने आते ही मैं आप चुप कर गया, मैं कब ये मेरे शो में, और इसके साथ साथ तुमने कहा कि कुछ सरगर्मियों में रहते थे कि किसी चक्कर में रहते, बिल्कुल भी नहीं, अच्छा बल्कि भट्टी साहब उनके सामने ना बोले आप आज वो नहीं है तो कौन तस्दीक करेगा, ना असल में वो मेरे पे आ रहा था अटैक करने की तरह कोशिश उसने की थी, भट्टी साहब को खुद हमने एक दफा कहा कि फलानी लड़की के साथ चाय पी के आ जाओ हम मान जाएंगे, भट्टी चाय पी के आ गया ना अच्छा। वो बात क्या उसका, हाँ तो बड़े हम हैरान हुए, हमने कहा भट्टी साहब किवें, कहंदा उधर वो आइए इधर थोड़ा पाई गया, मैं कहा जनाब बैठो बह गई, मैं त्री बोर्ड का पिस्तौल लाया सी, मैं कढ़िया टेबल से रख दिता, मैं कहा इजी हो जा, छुरी लाई सी मैं गोलियां अगे रख, कहना मैं क्या फिर की खाओगे तो वो इस टाइप का कैरेक्टर था, तो तीन वाली बात वो अजीब, मतलब वो गाना भी गाता था ना तो उसके मुंह से बहुत खौफनाक लगता था, तो वो था भी तुमने देखा खुद वो, अब ऐसा बंदा अगर गाना गाए टूट गई टूट गई मैं चूर हो गई तो कैसा लगेगा ये था पट्टी, तो मैं उसकी चूंकि जोक सुनाता रहता हूँ तो उसको बड़ा गुस्सा था मेरे, मैंने उस दिन उससे वादा किया था आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा, तो उसने आगे अपनी सारी दिल की जो भड़ास थी ना इतने साल से बराज साहब बातें करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आज मैं भी बोल दूं सारा कुछ, खूब बोला है वैसे वो अच्छा, और बोलता बड़ा अच्छा है, मतलब तकरीर उसने बड़ी अच्छी करनी सारा, उसको बड़ा शौक था तकरीर करने का, और मजहबी तकरीर भी एक दफा उसने कर दी, बड़ी गलतियां की उसमें, हमने कहा तुमने मरवाना है हमें भी साथ, ये फतवे लग जाते होते हैं, कहता मेरे नालों ज्यादा मजहब किनू, मैं कहा तुम उसको छोड़ो तुम्हें बड़ी गलत, एक दोस्त कहने लगा अच्छा तू दस, कहता मेरे को पूछो कुछ, कहता अरकान इस्लाम बता दो, ये नमाज रोजा ज़कात हज, कहता अरकान इस्लाम एक तो हो गए ना हजरत अबू बकर यहाँ से वो शुरू, हमने कहा बस ठीक है तुम्हें सारा आता है मजहब बिल्कुल हमारे साथ यहाँ पे कॉलर मौजूद हैं जी, दरियाब हमारे रेगुलर कॉलर हैं लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम दरियाब। वालेकुम सलाम रुबा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको शो कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शो बहुत अच्छा लग रहा है, और बड़े अच्छे बाद आप दोनों को दोबारा स्क्रीन पे देख रहा हूँ मैं तो अभी इतना अच्छा वैसे चलो थैंक यू जी, मुझे खुद आज इस चीज के लिए मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, बड़ा मुझे मजा आता है पर्सनली इनके साथ, तो आप क्या बात करना चाहेंगे हमारे गेस्ट से? जी जी बिल्कुल, साहब से मैं बात करना चाहूंगा, ये माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान के एक ऐसे स्टार हैं जिन, मेरी पर्सनल इनके बारे में ये ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी ऐसा बंदा है, अमीर है, हर कैटेगरी के लोग हैं, इब्रारुल हक का नाम जहां लिया जाता है कोई ऐसा बंदा नहीं मिला मुझे आज तक के जो इनको ना जानता हो, मतलब माशाल्लाह ये इतने फेमस हैं हमारे पाकिस्तान के, इनका लास्ट मैंने अभी कॉन्सर्ट अटेंड किया था डी सॉम में, शायद इनको याद हो डी सॉम में जी, तो इन्होंने जब वो प्रीतो वाला सॉन्ग किया था तो पूरा क्राउड जिस तरह झूमा था, वो इनका पहला कॉन्सर्ट था जो मैंने अटेंड किया था, और मैंने फील किया था कि वाकई इनमें कुछ है जो पूरा पाकिस्तान इनको जानता है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के, थैंक यू थैंक यू, इंशाल्लाह आगे पॉलिटिक्स में भी आप आपके लिए यही दुआ है कि आप पॉलिटिक्स में, तो यार हम पाकिस्तान के लिए आए हैं बिल्कुल, एक पार्टी को किसी खास वजह, सिर्फ वजह ये है उसकी कि हमें महसूस होता है कि ये पार्टी जो है ना ये डिसऑनेस्टी नहीं करेगी अवाम के साथ, झूठ नहीं बोलेगी, और इंशाल्लाह 100% कोई नहीं होता, मगर हम बेहतरी के लिए पाकिस्तान में तब्दीली लाएंगे सिर्फ इसलिए, वरना किसी को हर्ट करना मकसद नहीं है किसी को, मेरी कोशिश होती है किसी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ना दूँ, एक दफ़ा एक साहब मुझसे कहने लगे आपके अस्पताल को हम चंदा क्यों दें, हम तो नून लीग के हैं, तो मैंने कहा यार हम तो वहाँ नहीं पूछते कि नून लीग वाला पेशेंट है आप या आप पीटीआई के हैं आप, हमने तो पेशेंट देखना है, जो भी है इंसान है आए और अपना इलाज करवाए और करते हैं, तो ये ना सोचो इस तरह के इदारों के बारे में,
और अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन के लिए भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम खास अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं उस इदारे में। तो ये पॉलिटिक्स जो है, मैं लोगों से यही कहूँगा कि मेरे म्यूज़िक को सब ने सुना, इतना प्यार किया, इतना पसंद किया, तो पॉलिटिक्स जो है अब्रार सिर्फ और सिर्फ आपके और अपने नेक्स्ट जनरेशन्स की बेहतरी के लिए कर रहा है, उसका और कोई मकसद नहीं है। मुझे एक MNA ने, मुझे आपने वैसे ही एक इतना प्यार दिया हुआ है कि एक MNA को तो लोग कहीं जानते भी नहीं है, जैसे अभी ये भाई कह रहे थे कि सारे लोग जानते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। सोशल वर्क भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन पॉलिटिक्स के ज़रिए बड़ी तब्दीली आ सकती है मुल्क में, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि सारे लोग मुझे प्यार करते रहें। जितने मैं भी आपसे सबसे बहुत प्यार करता हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एंड पॉलिटिकल पार्टी। नो डाउट, सारे के सारे पाकिस्तान नहीं, पूरे की पूरी दुनिया जो हमारी जबान, हमारी लैंग्वेज जाती है, आपसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच जरे आप कॉल करने के लिए। तो फिर क्या ख्याल है, हो जाए प्रीतो क्या? इसकी आपने बड़ी ट्राई की, हर एक से हम शो पे होते थे, जब हमारी ऑडियंस होती थी वहां पर शो में, तो फिर उनको कहते होते थे, कंपटीशन कराते थे, कोई इस तरह हंस के दिखाए। कमाल, कम लोग हंसते थे, कई लोग हंसते थे तो बकरी दी याद आ जाती लगता था कोई, और ये कॉन्सर्ट में भी चलता रहता है, और थोड़ा सा लाइवली सा हो जाता है, शुगल सा हो जाता है। हमारे पंजाबी के रॉक स्टार हैं ये, आपने कैसे हर एक के वो लाइक इतनी परफेक्ट पंजाबी होती है, जो कि कभी कभी इतने हमें ना भी आए, लेकिन हर कोई झूमता है, हर लेवल का बंदा उस गाने के ऊपर झूमता है, वो बीट रखते हैं, और जो आपकी जो पंजाबी पे जो आपका उबूर है, जो कमाल बस है, बन जाते हैं यार। सच पूछो तो कोई ऐसा होता नहीं है कि बंदा बैठ के बनाए, जी आज मैंने एक बड़ा हिट गाना लिखना है। ये आई हैव बीन वेरी लकी, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड टू मी, और यही बॉटम लाइन है। वरना यहाँ इस मुल्क में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग पड़े हैं, ऐसे ऐसे खानसाब लोग पड़े हैं जिनको राग पलटा ये वो सब चीज़ें आती हैं, थ्योरी में वो बहुत आगे हैं और प्रैक्टिकल में भी ऑफ कोर्स बहुत आगे हैं, लेकिन बाज़ वक़्त क्रिएटिविटी में इंसान किसी को, अल्लाह किसी इंसान को दे देता है ज़्यादा, किसी को कम दे देता है। सो ये उस वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, दुआएँ हैं हमारे साथ, इसमें कोई शक नहीं है, और अल्लाह इस फेम से कोई पॉजिटिव काम करा ले। तो ये है मेरी, जो आने वाले जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी ये कहूँगा कि अगर आप सस्टेन करना चाहेंगे ना ज़्यादा देर तक, तो फिर आप इंसानियत की खिदमत में अगर आ जाएं, तो सबसे ज़बरदस्त सस्टेनेंस वो है दुनिया भी और आखिरत में भी। जी बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि हम कभी पॉज भी आता था ना तो बोर नहीं होते थे, क्यों? क्योंकि हर वक्त हमें गा के हमें एंटरटेन करते रहते थे। तो आज मेरे शो पे लाइव कोई ना कोई आज देखो मेरा तकरीर वाला गला, आज मेरे से तकरीर करवा लो। नहीं तकरीर भी सुनेंगे, तकरीर अभी तो आप करके आए हैं वहाँ से, आज मुझे सुनाए कुछ, क्या सुनाएंगे? आपका तो हर गाना You don't seem to know I love you, baby. I can love you more than anybody else, I mean it. Oh, I can love you more than anybody else, I mean it. Yani ke sanu tere naal pyar ho gaya, sada dil beqarar ho gaya. रणिए नी सानू तेरे नाल प्यार हो गया, साडा दिल बे करार हो गया। क्या बात है जी, दिल बे करार तो उन्होंने पूरे की पूरी हमारी आवाम का क्यों है, एक्स्ट्रा कलर्स है, ब्राइट कलर्स हैं, समर है और ब्राइट कलर्स हमारे पास, इतने बड़े बड़े सितारे हमारे मौजूद हैं। अब हम चलते हैं आलिया साहिबा के साथ पास, और उनसे पूछते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की, इट्स अ टाइप टैरो कार्ड, राइट? सो हाँ, एस्ट्रोलॉजी की टाइप होती है टैरो कार्ड, एक्चुअली एक्युमुलेशन होते हैं, इसमें न्यूमरोलॉजी भी है, इसमें कलर्स भी हैं, इसमें जियोग्राफी भी है, इसमें मैथमेटिक्स भी है। आप समझ लेंगे अगर आप सारे नॉलेज आपको आते हैं, ओनली देन आप टैरो कार्ड को टच कर सकते हैं। इट्स नॉट कि आपने उठाए और आपने शफल करके खेलना शुरू कर दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बड़ी गहरी और सिम्बॉलिक सिम्बल्स के साथ खेलना है। बिल्कुल, सो हाउ प्रिसाइज इट लाइक एवरी टाइम, कितने परसेंट रहती है एक्यूरेसी इसकी? देखिए, एक पेशेंट है, उसको पांच डॉक्टर अगर डायग्नोज करते हैं, पांचों का डायग्नोसिस डिफरेंट होता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर ओन नॉलेज एंड देयर ओन एक्सपीरियंस। तो इसमें गलती का एहतमाल रहता है, लेकिन ये कि इसमें आप मैं हूँ, दुनिया का कोई भी नजूमी हो, हर चीज़ विद इन 3 मंथ्स बदल जाती है।
तो आपको इसमें गाइडलाइन लेनी चाहिए, रहनुमाई लेनी चाहिए, इसको पत्थर की लकीर नहीं समझना चाहिए, इसको पेशिन गोई नहीं समझना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। और ख़ासतौर पर जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, पॉलिटिक्स का व्हील इतनी तेज़ी से मूव कर रहा होता है, इतने सितारे, इतनी वाइब्रेशंस होती हैं कि वहाँ चीज़ें बदल जाती हैं और क्रिकेट मैच भी बदल जाते हैं। ब्लड नेक्स्ट टाइम जब आप सुने तो यकीन रखें कि कहीं ना कहीं कोई चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं मैचेस के मुताबिक, मैचेस के मुताबिक, क्योंकि मौसम भी बदलता रहता है, हर चीज बदलती रहती है। ब्रार साहब के बारे में अगर हम कुछ पूछना उससे पहले मैं इनसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जब चीजें बदल जाती हैं और चीजें वकूफ पजीर हो जाती हैं तो उसके बाद आपकी जो एस्ट्रोलॉजी का हिसाब है अगर आप वो लगाएं तो क्या आप कह सकती हैं कि हाँ इस वक्त जब ये काम हुआ इसके सितारे ये थे और ये बिल्कुल यही होना चाहिए था, हमने सही प्रेडिक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये व्हील बहुत तेजी से चल रहा था और वाइब्रेशन बहुत तेजी से हो रही थी। तो जब वकूफ पजीर हो जाता है काम तो क्या बाद में आपकी जो साइंटिफिक नो हाउ है वो उसको उसी तरह से रजिस्टर करती है, आइडेंटिफाई करती है कि हाँ ये वही यही होना चाहिए था? नहीं, एक्चुअली जो आप जो बात कर रहे हैं कि हर चीज बेहतरी के लिए होती है, हर काम भले के लिए होता है, वो तो अपनी जगह एक सिंबॉलिकली बात, मैंने ये तो कहा ही मैंने ये नहीं कहा। एक मैच है, क्रिकेट मैच है, तो आपने प्रिडिक्शन की कि ये पाकिस्तान जीत जाएगा, पाकिस्तान लेकिन हार गया उसमें, और उसके बाद आपने बाद में यानी पोस्ट मैच आपने ये तज्जिया किया अपने नॉलेज का और उसकी बुनियाद पर आपने आइडेंटिफाई किया कि हाँ आखिर पे आके ये हुआ था कि फलाना मरीख जो है वो असल में जोहल के नीचे से तेजी से गुजरा, उसकी वजह से उसमें रोटेशन पैदा हो गई और पाकिस्तान हार गया, कुछ इस तरह का वो आप उस पे आपका नॉलेज भी आपके साथ खड़ा होता है वहाँ पे? बिल्कुल खड़ा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। खासतौर पे ये जो आप बात कर रहे हैं, आप उन एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात कर रहे हैं जो मून साइन को देखते हैं, मून एवरी सेकेंड अपनी पोजिशन बदलता है और नॉलेज सेकेंड करता है हर इवेंट को, और हम एक लर्निंग प्रोसेस में होते हैं। आप ये समझ लें कि इल्म बेकरार है, अनलिमिटेड है, जैसे लामतना ही होता है, और जहन जो है ये लिमिटेड है, इसका फहम इंसान का लिमिटेड है, वो इसी तरह से सीखता जाता है। मैं एवरी डे सीखती हूँ, सिंबल से सीखती हूँ और देखती हूँ कि अच्छा ये इस वजह से यूं भी हो जाता है, तो वो इल्म में इजाफा होता है। एवरी टाइम जब कोई चीज गलत होती है उसे सबक बहुत अच्छा मिलता है। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस है ना, डे बाय डे। वही मैं कह रही हूँ कि जो आपने कहा कि जब पेशेंट्स की वाली एग्जांपल दी, तो ये कि आपको हर गलती के बाद एक एक्सपीरियंस होता है आपको और ज्यादा बेहतर होता है। बड़ा सबक मुझे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक किस्सा याद है, आपको भी यकीनन सबको होगा, कि वो एक बार अल्लाह से चूंकि मुलाकात करने के लिए जाते थे तो एक बंदा था वो बहुत भूखा था, उसने कहा मूसा किधर जा रहे हो? मैं अल्लाह से मिलने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा यार जाके कहना कि मेरी भूख इतनी है कि मैं मर रहा हूँ, उसे कहा मुझे एक ही बार दे दे जो देना है ताकि मैं नहीं, उसे कहा कि मेरा मेरे बारे में पूछ के आना पहले। तो वो पूछ कर आए तो मूसा ने आगे बताया कि भाई तेरा उम्र बहुत लंबी है और तेरा रिस्क बहुत कम है, तो वो इसलिए ना थोड़ा 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 करके मिल रहा तुम्हें, क्योंकि लंबी कहता है एक दफ़ा जाना ना दोबारा तो कहना मुझे एक ही बार दे दें ताकि मैं जान छूटे, मैं एक बार खा के फारिग हो जाऊँ, मैं इस तरह घुट घुट के नहीं जीना चाहता, तो दुआ अगर ये कर दो। उसने कहा मैं कर देता हूँ दुआ। तो मूसा गए, उन्होंने दुआ भी की और अल्लाह से, तो वापस आए तो उन्होंने कहा कि ठीक है अल्लाह ताला मान गए ना, अब तुम्हारा ये जो है रिज़्क़ में एक ही बार मिल जाएगा लेकिन उसके बाद तुम मर जाओगे। लेकिन दो चार साल के बाद मूसा वहाँ गए तो वहाँ लंगर लगा हुआ लोग हर, अच्छा उन्होंने कहा ये क्या, अल्लाह के पास गए, उन्होंने कहा ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया उसने हमारे साथ सौदा ही ऐसा कर लिया है, उसने लंगर शुरू कर लिया, जब आया था रिस्क उसने बांट दिया था, खुद भी खा रहा है लेकिन सबको उसने बुला लिया आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सबको दावत दे दी। तो जब किसी को खिलाएगा उसकी उम्र में भी बरकत मैं दूंगा, तो अब तो वो ऐसे ही है, चलता रहेगा जब तक वो। बिल्कुल, मतलब यही बात है, जैसे कि जो पेशिन गोई को इसलिए, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि पेशिन गोई को मैं इसलिए नहीं मानती क्योंकि सदके से बला टल जाती है। जब बला टल गई है, एक इवेंट खत्म हो गया, देन दैट मींस कि प्रिडिक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। सो इट चेंजेस एवरीथिंग, एवरीथिंग। आप सदका देते हैं आपकी बला टल जाएगी। मैंने आपको कहा ये बला मुसीबत आप पर आ रही है, आपने सदका देकर उसको टाल दिया, एक कमी मेरे नॉलेज की नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है और इंसान बहुत छोटा है। बेशक जी, सदका हर बला को टाल देता है, सदका देते रहना चाहिए हर एक को, कोई छोटी से छोटी, जरूरी नहीं है कि आपको मुश्किल मुसीबत आए, पेश आए तो फिर ही आप सदका दें, एज ए प्रिवेंशन भी। यहाँ पर हमारे साथ कॉलर मौजूद है कराची से, आमना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आमना, कैसा लग रहा है आपको शो?
जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका। तो बात करना चाहेंगे, हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। जी बिल्कुल, मैं दारुल हक के साथ बात करना चाहूंगी, मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और आजकल जो हालिया होने वाले इलेक्शन है उसके हवाले से मैं उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ। जी जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सर एनए 120 के इलेक्शन होने वाले हैं, तो पीटीआई का कहना है कि वो जीतेंगे, जबकि नून लीग की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनके सपोर्टर्स जो हैं वो सबसे ज्यादा हैं। लेकिन जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि नून लीग के जो हैं वो सपोर्टर्स बहुत ज्यादा हैं और पीटीआई के बहुत कम हैं। आप इस सिलसिले में अपनी पार्टी की साइड से क्या कहना चाहेंगे? देखिए फॉर्चून टेलर तो वैसे इनका काम है, मेरा नहीं है, लेकिन बतौर पीटीआई वर्कर जाहिर है मेरी ये ख्वाहिश भी होगी और मेरा दिल भी चाहता है कि पीटीआई वहाँ से जीते। फैसला तो 17 तारीख को ही होगा। बहरहाल दो तीन चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं इसमें, वो ये कि 29,000 वोट जो है वो अनवेरीफाइबल वोट वहाँ पे मौजूद है। अगर तो वो डाल दिया जाता है तो फिर पीटीआई के वाकई चांसेस कम हो जाएंगे। और दो यूसीज हैं जो पठानों की यूसीज हैं, 50 और 51, और उनमें नून लीग ये कह रही हमें वोट ये नहीं डलने देना क्योंकि वो सारा इमरान खान का वोट है। तो वो मिल मिला कर 30-35 हज़ार वोट अगर इधर उधर खुदा न खस्ता हो जाता है तो फिर पीटीआई हार भी सकती है। लेकिन अगर वो वोट इंसाफ के मुताबिक, जो इंसाफ का तकाजा भी है कि 29,000 वोट अगर अनवेरीफाइबल है तो उसको नहीं डलना चाहिए, उसको वोटर लिस्टों में से खारिज किया जाना चाहिए। और इसी तरह से हर किसी का हक है वोट डालने का, चाहे कोई पठान हो चाहे वो किसी भी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखता हो। और दो यूनियन काउंसिल्स का भी वोट अगर डले तो मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर से ये टफ मुकाबले के बाद पीटीआई जीत जाएगी इंशाल्लाह, ये मेरा कहना है। इंशाल्लाह, थैंक यू सो मच आमना फॉर कॉलिंग, आपने बात भी की, आपको जवाब भी मिल गया। वो सही कह रहे हैं कि बातें हम उनसे पूछते होते हैं, आप इस बारे में क्या कहती हैं या जनरली पाकिस्तान का, पाकिस्तानी सियासत का फ्यूचर? देखिए पाकिस्तानी जो सियासत है उसमें अगर कोई ये कहता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ख़त्म हो गई है तो मैं इसको नहीं मानती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अभी मौजूद है स्ट्रेंथ के साथ, मुस्लिम लीग नून भी मौजूद है स्ट्रेंथ। ये मेरा तज़िया नहीं है ब्रार, ये मेरी कैलकुलेशंस है। मेरी भी यही है। हाँ। ये किसने कहा खत्म हो गई है? हाँ। ये तो कमजोर हो गई है, कमजोर हो गई है, खत्म नहीं हुई है। और पार्टीज खत्म नहीं होती थी आसानी से, पार्टीज नहीं खत्म हुआ करती। हाँ। नहीं उनकी पावर भी है, अभी जो इलेक्शन आएगा उसमें ये लोग कमबैक करेंगे, ये ऐसा होगा। और मुझे ये लगता है कि आने वाले जो 2 महीने इसमें पूरा फेस पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का चेंज होता है। Okay. असम्बलियाँ भी ख़त्म होती मुझे नज़र आती हैं, मुझे इलेक्शन भी जल्दी होते नज़र आते हैं, मुझे ये जो इस वक्त फेसेस हैं ये सारे वाइप आउट होते नज़र आते हैं। एंड आई सी मेगा इम्पोर्टेंट चेंजेस इन पाकिस्तान पॉलिटिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 24 अगस्त जो गुजर गया। 24 अगस्त से लेकर नवंबर के एंड तक पाकिस्तानी पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल जाएगी। आई एम ऑन बोर्ड, ये मैंने एक चैनल पर भी कहा हुआ है कि मैंने अपने पेज पर भी ये चीज़ें ऑन बोर्ड कही हुई हैं, फिर इस नाअहली से पहले ही कहा हुआ है ये सारा कुछ। बिल्कुल जी, आई थिंक सब जो फॉलो करते हैं, जो देखते हैं, वो आपके पेज पे भी देखते हैं कि प्रेडिक्शंस बड़ी अच्छी, बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने टाइम से पहले की हुई हैं। ये एक चीज़ जो यहाँ मैं ऐड करना चाहती हूँ, जो आपने मुझसे सवाल किया पॉलिटिक्स के हवाले से, 2 ग्रहण लगे थे अभी अगस्त में, उन 2 ग्रहणों में 15 दिनों में वो ग्रहण थे, उन्होंने पाकिस्तान की, उसके बाद से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है इट्स नॉट द सेम एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम। और इलेक्शन जो है ये दिसंबर जनवरी के टाइम पे मुझे लगता है तैयारी रखे इलेक्शनों की, इलेक्शन जल्दी है बस, ये दिसंबर जनवरी ये वाला बस जल्दी है, तैयारी पकड़ में है। कहते हैं कि इलेक्शन नजर आता है, जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से विंटर में मुझे इलेक्शन नजर आता है, विंटर में इलेक्शन नजर आ रहे हैं, क्या ख्याल है जी? और असेंबलियां नहीं नजर आ रही, पॉलिटिकल इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक ऐसा काफी इनकी बोल्ड स्टेटमेंट है जो कि अपेरेंटली ऐसा नहीं लग रहा पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, या पॉलिटिकल कहना चाहिए जो पॉलिटिकल फॉर्चून टेलर्स हैं हमारे तज़िया निगार, उनकी नज़र में ऐसा नहीं है कुछ। तो ये बड़ी स्टेटमेंट है जो उन्होंने दी है। वो क्या कह रहे हैं कि ये चलेगा सब कुछ? हाँ, वो ये दो तरह की बातें कर रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि कोई ऐसा सेटअप भी बनाया जा सकता है, जिस तरह आपने कहा कि एक टर्बुलेंट इन्वायरमेंट जो है वो वकू पज़ीर हो सकती है, उसके बाद एक ऐसा सेटअप बनाया जाए जो फिर फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाने के लिए हो, और उसमें इलेक्शन कमीशन में जो तब्दीलियां हैं, वोटर लिस्ट्स में जो तब्दीलियां हैं और दीगर बहुत सारे मसाइल हैं उनको सॉल्व करने के बाद और कुछ एहतसाब का प्रोसेस जो कुछ लोगों के ख़िलाफ़ शुरू हुआ है
उसको अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के बाद इलेक्शंस होंगे जिसमें कुछ टाइम लग सकता है। दूसरा नैरेटिव यह है कि इलेक्शंस अपने मुकर्रा वक्त पर ही होंगी, यानी 2018 में मई में असेंबलीज डिसॉल्व होंगी और 3 महीने का जो टाइम होता है उसमें हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत अर्ली हो सकता है, इसमें अगर 9-10 महीने मुझे लगता है कि हैं। लेकिन मेरे जो मेरी कैलकुलेशंस है उसके हिसाब से मुझे इमीडिएट 2 महीने में सब कुछ बदलता नजर आता है, असेंबलियाँ भी खत्म होती नजर आती हैं और मेगा चेंजेस होते नजर आते हैं और एक समझ लें वाइपिंग आउट है, एक ऐसे वाइप आउट होता नजर आता है सारा कुछ। अब आई डोंट नो वो कैसे होगा। वो चलिए ये तो पॉलिटिक्स हो गई ना, वैसे खाली इब्रार साहब के ऊपर अगर हम उनके कार्ड्स पर आए तो इब्रार से भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आप दोनों जब बात कर रहे थे तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शोहरत होती है ना वो कोशिश क्रिएटिविटी मेहनत किसी चीज से नहीं मिलती है, वो एक सितारा होता है। आप समझ लें कि सितारा बाजलों का बहुत बुलंद होता है। नुसरत साहब की मैं हमेशा एग्जांपल देती होती हूँ, नुसरत फतेह अली खान साहब की, कि उनका सितारा बहुत बुलंद था, उनको हम कहते थे कि इनका अनयूजुअली बुलंद सितारा है, वो अपने उनसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, उनसे ज़्यादा बेहतर लोग थे लेकिन सितारा आगे लेके गए। वही इब्रार का भी है कि इब्रार के जो मैंने जायचा देखा इनका 21 जून, एक तो ये कस्ब है, सॉरी 21 जुलाई है तो एक कस्ब है एक तो, और इनकी जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें हमेशा अरूज है, जवाल नहीं है। क्या बात है। और हाँ उसके साथ ये है कि ये हमेशा तलू रहेंगे, ये इनके बारे में एक चीज मैंने ये मैंने इनके बारे में एक जगह लिखा भी था कि ही विल ऑलवेज बी ऑन द होराइजन। कस्ब से याद है मैं भी कस्ब पे हूँ। अच्छा क्या है डेट ऑफ बर्थ? 22 सितंबर है ना इसकी, तो ये कस्ब है। लेकिन आपका जो कस्ब है उस दिन उस वक्त का निकालना पड़ता है, जो कस्ब होता है ना, जैसे इनका कस्ब है तो ये 0 डिग्री सन पर है, आधे कैंसर आधे लियो। सो चले मैं फिर पूछती हूँ, मेरा ये शो के बाद मैं पूछती हूँ आपसे बात। माय कस्ब कैसे लोग होते हैं वैसे, आधे कैंसर आधे लियो? आधे कैंसर आधे लियो बहुत डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड लोग होते हैं जो उनके साथ रहते हैं ना आपकी बेगम का, तो मुझे मेरा ख्याल है उसको तो बहादुरी देनी पड़ेगी जो इतने कॉम्प्लिकेटेड इंसान के साथ रहती है। यूर आपको पिन पॉइंट करना मुश्किल होता है, आप किस क्या कर गुजरेंगे। इंतहाई सिंपल और सीधा आदमी है, वेरी प्रिडिक्टेबल। नहीं वो आप एक्टर बड़े हैं। सुभान अल्लाह मुझे कोई रोल दे दीजिए, अनारकली और कोई बादशाह सलामत टाइप। नहीं लाइफ में कोई ऐसा रोल है जो आपने छोड़ा हुआ, एक्टिंग को छोड़े आप तो लाइफ में क्या कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक लग रही है मुझे ये, मैं बताऊं मुझे लगता है मैं एक्टिंग कर सकता हूं। यानी अब आ रहे हैं, कहां आएंगे जी, फिल्मों में आएंगे कि ड्रामास में आएंगे, कहां क्या है, किधर के इरादे हैं? छड़ भी देना चाहिए। नहीं लेकिन वो तो आपको लेके जा रही है तो कोई पता नहीं जी, होस्टिंग तो कर ली, अब एक्टिंग की तरफ भी हो सकता है। पता नहीं क्यों मैं, मुझे जो मुझे अपने बारे में लगता है ना, जो मैं सीरियसली बताऊं वो है कि 2 + 2 = 4 बिल्कुल वो वाला, और जो लोग मुझे जानते हैं ना अपने बारे में तो सारे यही कह रहे हैं, जो मुझे जानते हैं वो हाँ। फिर मुझे खुशी हुई है मुझे अपने जायचे से कि नहीं यार चलाक भी है मंदो नहीं चलाक एक और चीज होती है, अय्यार मकार एक और चीज होती है, कॉम्प्लिकेटेड हैविंग मल्टीपल फेसेस हैविंग मेनी साइड्स ऑफ योर पर्सनालिटी। ये बात और है, एक स्पिरिचुअल एंगल जब मेरे पे हावी होता है ना तो फिर मैं बिल्कुल अल्लाह से बातें भी करता हूँ, सारा वर्क होता है। ठीक है ऑफ कोर्स हम इंसान हैं और चीजें भी, जब शोगल वाली बातें आती हैं तो हम जोक्स की ऐसी तैसी, मतलब इनसे ज्यादा कोई अच्छा हंसा नहीं सकता। आपको एक दफा देखे तो जोकर, एक दफा देखे तो फलसफी, एक दफा देखे तो सूफी, देखने वाला यकीन नहीं करता यार ये इतने सारे शक्ल का था। अभी अभी ये पॉलिटिकल बातें करना शुरू हो गया, अभी सारे रूप एक ही मतलब इंसान के अंदर। शो के दौरान इन्होंने मुझे कितनी दफा हंसाया भी है और रुलाया भी है अगर याद हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि एक इंसान जो इतना दूसरों के ऊपर, दूसरों अपने ऊपर इतना अख्तियार रखता है, दूसरों के ऊपर इतना अख्तियार रखता है, वो नॉर्मल नहीं हो सकता। हम उसको मकार या यार नहीं कह रहे, वो स्पेशल जो वो ये है कि उसकी पर्सनालिटी के डिफरेंट शेड्स फैसेट्स के लिए। कभी हम देखो हम सारी जिंदगी में कभी रोते भी हैं, कभी हम हंसते भी हैं, कभी अच्छे जो अच्छे और बुरे लम्हात को अल्फाज की शक्ल दे दे या उनको एक्सप्रेस कर सके आप, उसको मल्टीपल फेसेस अगर कह रही हैं तो शायद उसके माने फिर आप मल्टी डायमेंशनल कह लें, मल्टी डायमेंशनल बस यूल इतराफ कह लें। बिल्कुल जी पॉजिटिव एंगल उसका दे दें, पॉजिटिव एंगल। बैक टू योर फर्स्ट पैशन योर म्यूजिक,
कभी आप किसी को साइकिल पर बिठा रहे हैं, कभी फरारियां आ रही हैं आपकी, कभी आप जीटी रोड से जा रहे हैं, कभी मालो माल जा रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा, ये आप खुद ही सोचते रहते हैं, आपके बचपन के आइडियाज हैं या एकदम से क्लिक करता है? देखो मैं अवाम की बेहतरी के लिए हमेशा सोचता हूँ। हाय अवाम की बेहतरी, अवाम को लाइक सबको लाइन पे लगाया, चलो साइकिल पे लेके जाते हैं। ये कैसे हंस रही है? कभी लाहौर की कुड़ियां, कभी कभी उनके फीचर्स, कभी उनका पतला होना, तो कभी उनके मिजाज के ऊपर मजाजा ना आ जाती है। मतलब मुझे याद है मैंने जब गाना गाया ना, आ जानी बैजा साइकिल ले, आ जाने मुल्तानी नी मंडी जाननी है, आ जानी बैजा साइकिल। तो मुझे फोन आया, कहती है अस्सलाम वालेकुम, मैं कहा मुल्तान से बोल रही हूँ। अच्छा, मैंने कहा जी फरमाए, ये जो आपने गाना गाया? मैं कहा हाँ। अच्छा, उनके लिए तो उड़दा जहाज खलो जाए बिल्लो, मेरा एक और भी गाना ना, उड़दा जहाज खलो जाए बिल्लो, वेख तेरे लश्कारे नी, चौक दे सिग्नल मुड़ मुड़ वेखण, बत्तियां करण इशारे नी, जदों बाबे ने बिल्लो दे वल तकिया, ओह मुछां वट के ते थोड़ा थोड़ा हसया, ते नाल गीदा खाऊं खाऊं, ओदे दिल दियां टल्लियां वजियां नी, बिल्लो तेरी टोर वेख गए, जीटी रोड ते ब्रेकां लगियां, बिल्लो तेरी टोर वेख गए। अब कहती है ये लाहौर की कुड़ियों के लिए तो उड़दा जहाज खल हो जाए, तो मुल्तान वालियों के लिए साइकिल ही रह गया। मैंने कहा देखो मैं चाह रहा हूँ कि अगर एक तरफ जहाज है फरारी है तो साइकिल वाला क्यों महरूम रहे, वो भी तो किसी ना किसी को बिठा सके ना, क्या ख्याल है? लेकिन सबका सोचना चाहिए। साथ करते हैं ना, वो आप अल्टीमेट करते हैं कुड़ियों जट्टों के साथ, खासतौर पर जो जट्टों की फंसे गरारी जो आपका एक वो है ना, दैट्स ब्यूटीफुल। हाँ, मतलब एक से बढ़कर एक जो है ना, मैं कहती हूँ मैंने शुरू से जो सुने हैं, सबसे पहले मेरी ग्रैंड मदर अमेरिका में रहती हैं, उन दिनों लाइक 90s की बात है, मुझे तो कुछ भी नहीं तब इतना पता था, लेकिन व्हेन शी केम, उन्होंने आके पाकिस्तान से वो कैसेट खरीदी, और हम कहते थे पता नहीं, हमें नहीं पता था नया नया पहला गाना आया था, वो कहे नहीं ये सुनो, इतना सुना उस जमाने से लेकर उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि कभी भी फुल स्टॉप लगा, और मैं दुआ करती हूँ कि कभी ना लगे। नाज़रीन, इतने मजे मजे की बातें चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, मतलब जहाँ सुरीला हो जाए और ऐसा बंदा हमारे साथ जहाँ मौजूद हो, वहाँ कोई और बात करने के लिए दिल ही नहीं करता, दिल करता बस सुनते जाएं, ऊपर से शायरी का लाइक कंप्लीट पैकेज, जिस चीज को हाथ लगाते हैं। आज आप क्यों नहीं कोई गाना सुनाती हैं? मैं अल्लास्तफरुल्ला नहीं, मैं आपको भी नहीं भगाना, उनको भी नहीं भगाना, ना ही अपने। अरे इस बात में मेरे बड़े भाई की तारीफ है वैसे, मेजर इसरारुल हक साहब, उनको कह देना साहब आप क्यों नहीं सुनाते, हाँ रंग रंग तेरे रंग, अच्छा वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतना बेसुरा गाते हैं, सुभान अल्लाह। मैं देख रहे होंगे यकीनन आप देख रहे हैं, और अब मैं नहीं चाहती, चाहती कि किसी और शो में जाके कहे कि बड़े कॉन्फिडेंस से बड़ा बेसुरा गाते हैं। कोक स्टूडियो, इश्क दी बूटी, कौन नहीं उसका फैन? मेरा ये मेरी दिली ख्वाहिश है, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट। संगिया ले ले अल्लाह दाना ते बूटी बीज ले, चंबे वाली बूटी बीज ले, हक वाली बूटी बीज ले, दिल दी खेती दे विच पहला नीयत दा हलवा, खोट अदावत नफरत झगड़े सारे मार मुका, ओए नफ्स जिया दुश्मन वी कोई नहीं जहर दा टीका ला, लालच बदला हसद कमीना चुल्ले दे विच पा, इश्क दी गोडी करके ते हंजुआं दा पानी ला, ते बूटी बीज ले चंबे वाली बूटी बीज ले, हक वाली बूटी बीज ले, उठ संगिया ले ले इश्क दा ना ते यार मना ले, बुल्ले वाले कुंगरू पा ले नच के यार मना ले, दम दम हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 हक दम 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 दम। तो हार्ड कोर ये मैसेज है, एक सूफियाना मैसेज, के दिल की खेती में पहले नीयत अपनी सबसे, अगर इश्क की बूटी अगर आप बोना चाहते हैं उसमें, तो चंबे की जो बूटी होती है ना वो इस तरह करके होती है, यानी इस तरह लगता है अल्लाह लिखा हुआ है। तो बेसिकली शायरों ने, सूफी बुजुर्गों ने इसलिए चंबे की बूटी को कहा कि ये अल्लाह की वो है। देखा ना, फिर अब
कितना मतलब मैं सही कह रही थी ना कि आप मल्टीपल फेसेस हैं, माशाल्लाह मुझे भी नहीं इस बात का पता था। सही में साथ में दे विच पहला नियत दा हलवा माशाल्लाह, यानी अल्लाह को दिल में लाना चाहते हैं ना तो पहले तो आप ना साफ करते हैं ना ला इलाहा, बाकी सारी प्लेट साफ कर दें कि ये भी छोटा सा खुदा है यार, इससे मांग तुम दे दे यार, तू नहीं दे देता यार, नहीं सबको अल्लाह है, एक मिनट ला इलाहा इल्लल्लाह। तो दिल की खेती दे विच पहला नियत दा हलवा, खोट अदावत नफरत झगड़े सारे मार मुका, नफ्स जिया दुश्मन भी कोई नहीं, बहुत मुश्किल उसको मार, जहर दा टीका ला, लालच बदला हसद कमीना चुल्हे दे विच पा, ते इश्क दी गोडी करके, पहले कोई भी आप नया पौधा लगाते हैं ना तो पहले आपको गोडी करनी होती है, गोडी करके ते हंजुआं दा पानी ला, यानी जब आप पैशन उसमें डालेंगे ना आंसुओं का तो फिर वो आप बूटी लगाएंगे तो उसको ऐसा फल लगेगा कि वो आपका अंदर महक जाएगा। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था जो मैंने मेरे शुरू से ख्वाहिश रही, मैं वहाँ पर भी आपके साथ, लेकिन लगता नहीं तुम इस तरह का एक सुनती होगी वैसे, मेरी शुरू से ख्वाहिश थी मैं वहाँ पर आपके साथ होती थी, तो मेरा दिल था किसी दिन मैं आपसे कहूँ कि आप शो में जब एंड पे करते हैं तो आप ये करें, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं चले मैं नहीं कहती, लेकिन आज मैं देखने में ये यही लगती है कि बैजा साइकिल वाली इस तरह का है ना, मतलब देखे ना देखने देखे डिफरेंट डायमेंशन हर बंदे की पर्सनैलिटी की होती है, वो लग कुछ और रही है, लग साइकिल वाली रही है लेकिन उसने इश्क दी बूटी वाली फरमाइश की है विच इज वेरी वेरी डीप, और इस तरह की फरमाइश से ना आप अगले बंदे को पहचान जाते हो कि अच्छा ये इसकी क्या हो। अब जैसे बड़े लोग मिलते हैं मुझे और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी पता चल गया, दूर से बंदा आता हुआ पता चलता है, मुझे लगता है कि ये जो है ना ये क्या है, जैसे आपको फीलिंग हो जाती होगी ना आपने नॉलेज की, उस पर आंखें बढ़ लेते हैं, चेहरा बढ़ लेते हैं, ये तो मैं जानती हूँ, तो मुझे बंदे का काफी पता चल जाता है और मेरे से वो थोड़ी सी बात करता हूँ मुझे पता चल जाता है इसने मेरे से कौन सी फरमाइश करनी है। तो वो अक्सर लोग आके कहते हैं वो आपका जो है ना वो अच्छा, अब वो इतना ही कहते हैं मुझे पता चल जाता है ये क्या कह रहे हैं, किस टाइप का इंसान है। हाँ, कई कहते हैं वो आपका ना जो वो, तो मुझे पता था ये आप दूसरी वाले गाने की फरमाइश फजूल वाले की करने लगा तो अपने गाने को फजूल कहना भी बड़ी बात है, मतलब है कि, नहीं मतलब देखो फजूल है, एक लोगों को खुश करना है ठीक है, उनका राजी करना, लोगों को आवाम को साथ मिलाना, जब आवाम इकट्ठी हो जाए तो उनको इश्क की बूटी भी आप सुना ही सकते हैं अगर कोई असर हो जाए थोड़ा बहुत, तो वो अक्सर लोग आते हैं वो अगर आप वो कब आप पूरा कर रहे हैं, तो मुझे वो लोग फिर मुझे उनका बिल्कुल जहन चेंज हो जाता है कि जिस तरह वो एक मैंने नात लिखी थी जो कंप्लीट नहीं है अभी तक, वो एक कलाम था जो मैंने लिखा था, एक ख्वाब था नबी पाक सल्लम के हवाले से, तो वो कंप्लीट नहीं है वो, तो बहुत सारे लोग उसकी डिमांड करते हैं, तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट हैं जो बाकी बच्चा टाइप पार्टी है वो इस तरह के सॉन्ग्स को ज़्यादा इंजॉय कर लेती है, और अभी तो पॉलिटिकली भी थोड़ा सा हम और टाइप के वो हालांकि बड़ा दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं वो थोड़े मतलब बड़े सीरियस स्ट्रिक्ट किस्म के होते हैं, और आपकी पर्सनालिटी, आप जब टीच करते होते थे तब आप अपने स्टूडेंट्स को भी गा बजा के कभी जिंदगी में नहीं मैंने मैं गाया, लेकिन वो फिर आपकी कमजोरी, आप गाना तो क्यों नहीं ना बनता क्लास में, क्लास में बड़ा सीरियस एटमोसफेयर होता है, लेकिन हाँ कि आप हंसी मजाक करते हैं मेरे को हल्का सा, उसकी वजह क्या होती है कि वो बच्चे आपसे प्यार करने लगे, जब आप बच्चे आपको ओन करते हैं प्यार करते हैं और फिर वो आपकी अपने टीचर की नाराजगी से डरने लगते हैं, यार ये हम इसको नाराज नहीं करना, ये इससे कह रहा है तो यार कर लेते हैं, याद करके जाते हैं कोई बात नहीं, यू नो मिलके फिर आप जो भी कहते हैं ना वो बेचारे करते हैं आपके लिए, फिर आप उनकी पर्सनैलिटी को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर चीज़ें तरीके तरीके से मजाक में हंस के सारे वो आप, तो वो फिर ग्रूम होते हैं, उसका उसका जो मजा है ना जी वो मुझे स्टूडेंट्स, और मेरी स्टेज पे उस स्टेज पे भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी कि मैं सिर्फ ज्योग्राफी नहीं पढ़ाता था उनको, वो ज्योग्राफी का तड़का लगा होता था सही बात है, आप सीधा सीधा तो बात कर ही नहीं सकते, जो मजेदार किस्म के रेफरेंसेस होते हैं, आप टैरो कार्ड्स को पकड़े हैं, कुछ स्पेशल बताएंगी बताना चाहेंगे मेरे बारे में, बताना आज इन्होंने, है ना। अच्छा इब्राहिम का जो नेक्स्ट फेज है ना, जो अभी तक इन्होंने किया है, साइकल्स होते हैं फेजेस होते हैं, इनका नेक्स्ट फेज शुरू होता है 2 जून 2018 से,
जो इनका पॉलिटिकल या जो भी इन्होंने सफ़र शुरू किया है ना, उसकी मंजिल या जो ये बनना चाहते थे, आप इन्हें एक डिफरेंट रंग में, एक डिफरेंट कुर्सी पर, एक डिफरेंट जगह में देखेंगे 2018 के जून ऑनवर्ड्स। और अगर आप ज़्यादा प्रिसाइज होना चाहते हैं तो 2 जून 2018, उसके बाद हम इनको एक मे बी आप इन्हें एज एम एन ए देखें, मे बी इन्हें आप एज सम वजारत की कुर्सी पे देखें, या सम हाउ आई सी हिम इन अ वेरी हाई पोजिशन इन पॉलिटिक्स जून 2018 इंशाल्लाह। डिफरेंट पर्सनैलिटी, यानी अभी इसके बाद बिल्कुल सीरियस हो जाएंगे, एक एक बिल्कुल डिफरेंट होके आ जाएंगे, एक नया एस्पेक्ट आएगा कि उन्हें उससे पहले मे आता है जून से पहले, और वो जो मई का मंथ है उसमें इन्हें बस अपनी हेल्थ की केयर करनी है, अपनी सिक्योरिटी की केयर करनी है, आपके दुश्मन बहुत ज़्यादा होगा। हाँ, और मई का ऐसा मंथ है कि जहाँ पर आपको बाकायदा अपने बारे में मतलब सोचना है, ख्याल करना, अब अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना शुरू। और मई वैसे भी आपके लिए हेल्थ वाइज मुझे लगता है वीक आता है ऑलवेज, तो उस इस दफा भी आप इसकी केयर कर लीजिए। मई इज काइंड ऑफ अ मंथ जिसको आपने थोड़ा सा लुक आफ्टर करना है, बाकी जून के बाद फिर एक वो क्या से कहते हैं जंप स्टार्ट इंशाल्लाह। जो उन्होंने सबसे अच्छी बात की ना वो ये है कि हम लोगों को सदका देते रहना चाहिए, जब अल्लाह कहते हैं कि सदके से बलाएं टल जाती हैं। बिल्कुल जी, अभी बात यही हो रही है, सदका देना चाहिए। और बिलखसूस मैं भी ये सब लोगों से ये कहूँगा, सफ़र के महीने के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे इसमें खुशखबरी सुनाएगा मैं उसको जन्नत की बशारत दूंगा। तो सफ़र का महीना जब आए तो उसके आगाज़ ही में जितना हो सके हम सब लोगों को सदका देना चाहिए। मैं अपने आप को भी याद करा रहा हूँ, मैंने हमें बात बात भूल जाता है, तो ये याद करके हमने और अपनी हैसियत के मुताबिक कोई थोड़ी सी चीज़ बड़ी से बड़ी जितनी भी आप दे सकते हैं आपको देनी चाहिए। और अगर आपकी हैसियत बड़ी है तो फिर मुर्गी ना दें सब सदके में, मुर्गी ना। हाँ, फिर पता मुर्गी बड़ी महंगी हो गई है। हाउ क्यूट इज दैट, इसी बात के साथ मुर्गी भी हाथ में नहीं आती है। बिल्कुल जी, मुर्गी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी सदका हर बला को टाल देता है, और सदका देते रहना चाहिए। कितनी मुसीबतें जो कि जरूरी नहीं है कि आप पे आए तब आप दें, आने से पहले ही सदका इनको टाल देता है। लेकिन आज का हमारे प्रोग्राम का टाइम इस तरह से खत्म हो गया, कैसे गया कहाँ गया पता ही नहीं चल सका नाजरीन। लेकिन खत्म होने से पहले एक दफा मेरा ख्याल है हॉल ऑफ हाउस में चलते हैं और साजिद साहब से पूछते हैं कि कहाँ तक पहुंचा है। जी साजिद साहब जी, रेडी है हमारा खाना, मैंने डिश आउट कर दिया, बाकी आप अब टेस्ट करेंगे और बताएंगे कि कैसा है। जी बिल्कुल नाजरीन, आई थिंक हम लोगों का तो टाइम हो रहा है, अब हम किचन में जाएंगे और अपना ब्रंच करेंगे। लेकिन इसी के साथ उससे पहले मैं आप लोगों से इजाजत लेती हूँ, इंशाल्लाह नए दिन नए मेहमानों के साथ आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपने पूरे पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, मुसलमान बहन भाइयों के लिए जो पूरी दुनिया में है, ढेर सारी दुआओं के साथ अपना ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।